नमस्कार, मैं हूं अंशा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। कोविड-19 के बचाव के लिए वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब इसको लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में के दमोह में भी प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग के 5,071 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जाना है। तैयारियों का जायजा लेने दमोह के कलेक्टर तरुण कुमार राठी स्वयं पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक बिंदु को बारीकी से समझा और दिशा निर्देश दिया। पटेरा और हिंडोरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर कलेक्टर तरुण राठी ने DIO डॉक्टर रैक्सन अल्बर्ट तथा डॉक्टर रीता चटर्जी का चिकित्सकों से चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहना है कलेक्टर तरुण कुमार राठी का। जो आगामी समय में कोविड वैक्सीनेशन का काम किया जाना है, उसके संदर्भ में आज जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनका निरीक्षण किया है, CSCs का और PSCs का। और हमारे पूरे ज़िले में 18 फोकल पॉइंट हमने बनाए हैं, जहाँ पर प्रथम चरण में हमारे 5,071 जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको वैक्सीन दिया जाना है। तो उसी की तैयारी और जो 8 तारीख को ड्राई रन होना है उसकी तैयारी का निरीक्षण करने के सिलसिले में आज यहाँ पर दौरा किया गया है। और अब हम चर्चा करते हैं DIO डॉक्टर रैक्सन अल्बर्ट से। जो प्रोग्राम है हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता फर्स्ट फेज के लिए रजिस्टर किए गए हैं उनकी संख्या है 5,726। और ये हमारे अभी 8 केंद्र जो हैं, जो हमारे 8 ब्लॉक आते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ जहाँ पर दिए हैं, वहाँ पर अभी फिलहाल में सारी व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं। और इसके लिए अभी हमारे यहाँ ड्राई रन भी 8 तारीख को किया जाएगा। हमारे सभी केंद्रों पे जो इक्विपमेंट्स हैं वो पर्याप्त हैं। साथ ही साथ आज कलेक्टर महोदय द्वारा फोकल पॉइंट्स जो होते हैं, जहाँ पे कोल्ड चेन पॉइंट भी जिन्हों के कहा जाता है, तो उन पर भी आज उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। और जो हमारी वैक्सीन है, वैक्सीन भी हमको जल्द उपलब्ध हो जाएगी। जैसा कि 8 तारीख को हमारे जिला अस्पताल और साथ ही साथ 2 अन्य ब्लॉकों में ड्राई रन किया जाएगा, जिससे कि ये चेक किया जाएगा कि हमारी व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हैं कि नहीं है। और हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स पर्याप्त मात्रा में हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी हमको कोविड वैक्सीन रखने के लिए 7 IL उपलब्ध करवाए गए हैं। ज्ञात हो कि कोरोना कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में तीव्र गति से वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है।